नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है सोलन सब्जी मंडी से। इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की आप देख रहे हैं। सुबह सुबह मंडियों में टमाटर पहुंचना शुरू हो चुका है। टमाटर के रेट में आजकल तेजी है और मंडी में सुबह सुबह 1300 से लेकर 1400 रुपये तक टमाटर बिक रहा है। हालांकि बोलिए अभी थोड़ी देर बाद लगनी है, लेकिन रिटेल के लिए भी यहाँ पर जो टमाटर है वो उपलब्ध है, जो 1300 से 1400 रुपये के बीच में बिक रहा है। जो बोली है वो 350 रुपये के आसपास बिक रही है यदि क्वालिटी ठीक नहीं है। लेकिन टमाटर के रेट में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि हाइट का टमाटर आजकल मंडियों में आ रहा है और हाइट में भी अब कम मात्रा में टमाटर, क्योंकि टमाटर का जो सीजन है अब समाप्ति की ओर आगे बढ़ना शुरू हो चुका है हिमाचल प्रदेश का। और लेकिन अभी हाइट का जो टमाटर है उसके रेट में तेजी है, तो उससे किसानों को जो बरसात के सीजन में बड़ा नुकसान उन्हें उठाना पड़ा था, और जिन क्षेत्रों में अभी हाइट का टमाटर चला हुआ है वो किसान अपने उस नुकसान की भरपाई करने में थोड़े सक्षम हो रहे हैं। अदरवाइज जो गर्मियों के सीजन और बरसात के सीजन में इस बार टमाटर के उस तरह के भाव नहीं रहे। गर्मी के सीजन में तो शुरुआती दौर पर टमाटर ने तेजी पकड़ी थी, 1700 रुपये तक रेट पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद टमाटर के रेट में लगातार गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन बरसात का सीजन तो काफ़ी हद तक पिछली बार की तरह इस बार भी मंदी में निकला, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बरसात के सीजन में थोड़ा रेट बेहतर था, क्योंकि पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष टमाटर मंडियों में 350-450 रुपये तक की क्रेट, 350 रुपये तक भी एक समय टमाटर की क्रेट बिक रही थी अधिकतम रेट, लेकिन अब इस बार 450-500 रुपये तक भी रेट रहा। लेकिन टमाटर के रेट में अब तेजी देखने को मिली है, जब सीजन समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, हाइट का टमाटर आ रहा है और कम मात्रा में अब टमाटर मंडियों में पहुंच रहा है, तो ऐसे में नासिक का टमाटर भी अब धीरे धीरे दस्तक देनी शुरू कर दी है नासिक के टमाटर ने। सोलन सब्जी मंडी की बात करें तो सोलन सब्जी मंडी में भी अब नासिक का टमाटर बीच बीच में आना शुरू हो गया है, और उससे लग रहा है कि यदि आने वाले दिनों में स्थिति यही बनी रही और भारी राज्यों का टमाटर आना शुरू हुआ, तो जो तेजी इस वक्त किसान को मिल रही है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो लाभ ना मिले। लेकिन फिलहाल हम आज की बात करें तो आज टमाटर अभी सुबह सुबह 1300 से 1400 रुपए के बीच में मंडी में बिक रहा है, लेकिन आज है भी काफ़ी कम मात्रा में सुबह सुबह यहाँ पर जो टमाटर की उपलब्धता है वो काफ़ी कम मात्रा में है। लेकिन थोड़ी देर बाद टमाटर की अभी बोलियाँ सोलन सब्जी मंडी में लगनी है, और आलू और प्याज में भी तेजी है। 47 रुपये तक प्याज मंडियों में बिक रहा है, आलू की जो रेट है वो 33 रुपये से के आसपास अभी बने हुए पहाड़ी आलू, और पिछले काफ़ी समय से आलू के रेट में तेजी देखने को मिल रही, प्याज में तेजी है। लेकिन टमाटर, शिमला मिर्च और फ्रांस बीन जिनका आजकल सीजन चला हुआ है इनमें तेजी है और किसानों को लाभ भी मिलना, क्योंकि लोकल टमाटर की आपूर्ति, और ये जो टमाटर इस वक्त आप देख रहे हैं ये सोलन का टमाटर है, सोलन के आसपास के क्षेत्र जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ से टमाटर मंडियों में इस वक्त पहुँच रहा है। कल जिला शिमला का टमाटर भी सोलन सब्जी मंडी में था, बीच बीच में करसोग का टमाटर सोलन सब्जी मंडी में आ रहा है, जहाँ भी किसानों को अच्छे रेट मिल रहे हैं किसान वहाँ पर टमाटर लेकर जा रहा है। सोलन सब्जी मंडी की। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। कश्मीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। चरणदास जी का, अंकित कुमार जी का, श्याम वर्मा जी का, रवि कुमार जी का, लक्की शर्मा और विनोद मीनू जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। सोलन सब्जी मंडी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह सुबह सोलन सब्जी मंडी में 1300 से 1400 रुपए प्रति क्रेट के हिसाब से टमाटर मंडियों में बिक रहा है। टमाटर में तेजी है, अभी बोलिए लगनी है, और इस बार लग रहा है कि आज टमाटर में थोड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।